मुझे भी खिलाएगा। हाँ आपको भी खिलाएगा। तुम लोग मेरी वजह से जीते हो तो पहले मैं ही खाऊंगा ना। हारे हुए उम्मीदवारों को यहाँ किसने बुलाया? मैं तेरी ही बात कर रहा हूं बे। जो पैसा भिजवाया था वो बराबर बांटा था तूने? हाँ भाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बोला। ए, बता ना। जी बिल्कुल भाई, बहुत नेक आदमी है, सारा पैसा जनता में बांट डाला। झूठ सिर्फ तब तक छुपता है जब तक सच जानने वाला उसके सामने ना आ जाए, और सच पकड़े जाने के बाद झूठे आदमी की औकात दो कौड़ी की भी नहीं रहती। आपका इजाजत चाहिए भाई। हम उस मास्टर को खत्म करना चाहता हूँ। अपनी औकात में रहना सीख, अगली बार बिना इजाजत के बोलना मत। कान खोल कर सुन, हम लोग 72 वार्ड में हारे हैं, उनमें से 9 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। उस विजय राघवन से कहो कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। यहाँ 9021 परिवार रहते हैं। मैं हर परिवार की समस्या सुनकर उनका समाधान ढूंढना चाहता हूँ। हम 9021 फाइलें बनाएंगे। तुम हर एक परिवार से मिलोगे? ये कैसे पॉसिबल है? हर परिवार अपनी समस्या बताने लगा तो तुम्हारा सारा वक्त निकल जाएगा। सॉल्व कब करोगे? क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? सुनो, उस मास्टर के जलवे देखे तुमने? क्या जबरदस्त जीत हासिल की है। मुझे लगता है वो अच्छा काम करेगा। अरे राजनीति में सब बिगड़ जाते हैं, अकेला क्या उखाड़ लेगा। 2 दिन कचरा उठा दिया, 4 दिन हमारे बच्चों को पढ़ा लिया, तो तुम महिलाओं ने उसे वोट देके उसे काउंसिलर बना डाला। पिछले काउंसिलर ने हाल ही में शहर में एक बंगला खरीदा है, देख लेना, ये भी वही करेगा। इस एरिया के लोगों की जो भी समस्याएं हैं मैं उसका सर्वे कर रहा हूं। आप मुझे अपने घर की बाहर की जो भी प्रॉब्लम से बताइए, मैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये खड़ी तो है प्रॉब्लम सर, इसको सॉल्व कर दो। ए, मस्ती मत कर, क्या चाहिए तुम्हें? आप मुझे अपनी समस्या बताएंगे? समस्याएं तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। माना तुम ईमानदार हो, लेकिन इन सब बेईमानों के बीच में कोई भी काम करवाना नामुमकिन है। आप अपने एरिया में क्या बदलाव चाहते हैं? आपके परिवार में क्या कोई बीमार है? आपकी आमदनी से गुजारा हो जाता है? मैं तो समोसे बेचकर अपना गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन वो बेवड़े छोकरे मेरे बाकड़े पर आकर लफड़ा करते हैं। पुलिस को कंप्लेन करती हूँ तो मुझसे हफ्ता मांगने लगते हैं। पहले इसे सुधार दो सर। मैं तुझे क्यों बताऊं कि मेरे घर में क्या लफड़े चल रहे हैं? मेरी पार्टी के लोगों को दिख भी मत जाना, मार डालेंगे तेरे को। चल निकल। आप जाओ सर, ये ऐसे ही बात करता है, गुस्से में है, इसकी नौकरी चली गई। हो सके तो कहीं लगवा दो ना सर। सच बताऊं तो मैं अंदर से खोखला हो गया। मेरे लड़के तुम्हें मार ही डालते, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा टाइम अच्छा था। वो टाइम तो गया, उसे बदल नहीं सकते। अब आगे की सुनो, तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। बिग बॉस पदम प्रताप भी यही चाहते हैं। हम मिलजुल के काम करते, पैसा बनाओ, ऐश करो। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे ही क्या मतलब? अकेले। अकेले हो? मारे जाओगे, कोई लाश देखने भी नहीं आएगा। अगर कोई पुराना काउंसलर नए काउंसलर के ऑफिस में आकर धमकी दे तो सेक्शन 5061 और सेक्शन 5062 के तहत आप जेल जा सकते हैं। कैमरा, इसमें वीडियो ही नहीं आवाज भी रिकॉर्ड होती है। तेरे से पहले ये कुर्सी पे मैं बैठता था डेढ़ शाणे। या कैमरा वैमरा कुछ नहीं चलता है। चल बोल क्या सोच रहे। मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा और ये एक शुरुआत है। तेरी ये बात ऊपर पहुंचा दूं क्या? हाँ, और एक और बात सुनो, स्कूल में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, और सिर्फ इसी वार्ड में नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सभी वार्ड्स में आपके आदमी ही ड्रग्स सप्लाई करते हैं। आप अगर चाहें तो ये रुकवा सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी वार्ड में ड्रग्स सप्लाई नहीं होनी चाहिए, और मेरे वार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। तू हमें ऑर्डर दे रहा है? हमें ऑर्डर दे रहा है? ये हमारा एरिया है, हमने इसे बनाया, बर्बाद करके रख दूंगा। चलो। सर, जूते भूला है घर पे। अन्ना कभी जूते पहनकर ऑफिस में नहीं आते, ऑफिस की इज्जत करते हैं, और तुम इनसे भिड़ रहे हो, बड़े बेशरम हो। इस ऑफिस में आप जूते पहन के आ सकते हैं, बस साफ रास्ते पे चलना सीखिए, आपके जूते गंदे नहीं होंगे।